आज मैं आपको बताऊंगा नीपा वायरस के बारे में, जो कि काफ़ी न्यूज़ में है करंटली। और नीपा वायरस इज़ बेसिकली ए वायरस जो कि एक फैमिली पैरामिक्सोविडी से आता है, और ये अगर हम थोड़ा और टेक्निकली बोलें तो ये क्लोजली संबंधित होता है इक्वाइन मॉर्बिली वायरस से। इक्वाइन मॉर्बिली वायरस एक डिज़ीज़ करता है जिसे कहते हैं वायरल रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, घोड़ों में करता है, और ये काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हुआ है इसका ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ से काफ़ी संबंधित है। तो फ्यूचर में चल के अगर हम इसका वैक्सीनेशन या फिर कोई भी मेडिसिन अगर हम इवॉल्व करेंगे वैक्सीन के फॉर्म में, तो ये हम कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं बहुत ही सिंपल शब्दों में कि निपा वायरस बेसिकली एक इमर्जिंग जीनोटिक डिजीज़ है। इमर्जिंग जीनोटिक डिजीज़ का मतलब यह है कि ऐसी बीमारी जो पहले नहीं होती थी, अब वो जो है भविष्य में बिकॉज ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट ये हो सकती है, और केवल एक सिंगल एनिमल को नहीं अफेक्ट करेगी, ये मल्टी स्पीशीज़ को अफेक्ट कर सकती है, और स्पेशली जितने भी मेमेलियन स्पीशीज़ हैं जैसे शीप, गोट, डॉग, कैट एंड ह्यूमन, ये सभी को अफेक्ट कर सकती है। तो काफ़ी लीथल हो सकती है, काफ़ी डेंजरस हो सकती है भविष्य में, और अभी ये काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि कुछ केसेस जो हैं वो इंडिया में रिपोर्ट किए गए हैं। तो इसलिए आपको जाना ज़रूरी है कि क्या क्या सावधानियां बरतें हैं, क्या होता है बेसिकली, और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको रहेगी तो काफ़ी मदद मिलेगी आपको। देखिएगा, छोटी सी हिस्ट्री के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये नीपा बेसिकली एक नाम है, एक मलेशिया कंट्री में एक विलेज का नाम है जहाँ पे सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया था डोमेस्टिक पिग में, जो वहाँ पे पिग जो डोमेस्टिक होती थी, जिनको पालते थे लोग, उसमें ये रिकॉर्ड किया गया था। और इसमें जो है जो साल था अराउंड 98-99 में इसको रिकॉर्ड किया गया था, और एट द सेम टाइम सिंगापुर में भी रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें ये बेसिकली केवल पिग्स में ही इन्फेक्शन करते थे। पिग में दो तरह के इन्फेक्शन होते थे, एक रेस्पिरेटरी जिसमें जो है काफ़ी ज़्यादा कफ होगा, नेजल डिस्चार्जेस होंगे, स्नीजिंग होगा, और फिर न्यूरोलॉजिकल साइंस आएंगे, ओके, जैसे कि डिलीरियम हो गया, चक्कर काट रहा है पिग, ओके, उसके बाद मसल ट्विचिंग हो रही, ट्रेमर्स हो रहे हैं, इस तरह के साइंस जो हैं वो पिग्स में दिखते थे। और बाद में क्या हुआ कि ये मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब म्यूटेट हुआ, और इस कारण से जो है ये अब ह्यूमन को भी अफेक्ट कर रहा है। सबसे वरी की बात ये है कि ह्यूमन में जो मोर्टेलिटी है वो मोर देन 50% है, और जो भी केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जितने भी केसेस, उसमें से 50% लोगों की डेथ हो गई थी, ओके। तो इसको हम एक लीथल और डेंजरस बीमारी कह सकते हैं। ये जो इसका रिजर्वायर होस्ट होता है, निपा वायरस का जो रिजर्वायर होस्ट, मतलब ऐसा होस्ट जिसमें ये डिजीज़ नहीं करता है बट उसमें रहता है, अपना मल्टीप्लीकेशन करता है, और वो है बैट, फ्रूट बैट बेसिकली। तो जो जंगलों में जो फ्रूट्स खाते हैं बैट, उसमें जो है चमगादड़ जिसे कहते हैं, उसमें ये बेसिकली मल्टीप्लाई होता है बट उनको डिजीज़ नहीं करता है। ये बैट जब डिफॉरेस्टेशन मलेशिया और सिंगापुर में होने लगा, पेड़ कटने लगे, तो ये बैट जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन आने लगे, और वहाँ पर जो भी फ्रूट्स था वो खाने लगे, और जब फ्रूट्स खाने से जो है, जब वो ह्यूमन उसको खाने लगे, तो बेसिकली ये इन्फेक्शन हुआ। वायरस बेसिकली जो बैट में होते हैं वो बैट की यूरिन में सेट करते हैं, उसके फीसिस में सेट करते हैं, सलाइवा में होते हैं, इवन जो बर्थ फ्लूड होता है जब बच्चे पैदा करते हैं तो उसमें भी ये होता है। तो ये जो पोटेंशियल सोर्स ऑफ कैरियर है, यू कैन से कि यहाँ से जो है बैट के थ्रू जो है ये वायरस जो है वो ह्यूमन सेटअप में जाता है, और वहाँ से ह्यूमन को इन्फेक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कंटेजियस डिजीज। साइंस और सिम्टम्स की बात करें अगर ह्यूमन में, तो बेसिकली क्या होता है कि सीवियर कफ होगा, अगर रेस्पिरेटरी साइंस की बात करें हम तो कफ होने के चांसेस होते हैं। न्यूरोलॉजिकल साइंस में अगर हम देखें तो इसमें जो है पर्सन को बहुत ही हेडक होगा, फीवर होगा, ड्राउजनेस होगा, उसके बाद फिर डिसोरिएंटेशन होगा, वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं कर पाएगा, मेंटल कन्फ्यूजन रहेगी, कोमा होगी, और ग्रेव केसेस में डेथ हो सकती है। अगर हम एनिमल साइंस की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मसल ट्विचिंग, ट्रेमर्स, ट्रेमलिंग्स, ये नर्वस साइंस होते हैं। रेस्पिरेटरी साइंस में सीवियर कफ और नेजल डिस्चार्जेस आएंगे। अगर हम डॉग में बात करें तो डॉग में जो कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज़ होती है, जो कि काफ़ी लीथल डिजीज़ है जिसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, उसमें जो भी न्यूरोलॉजिकल और रेस्पिरेटरी साइंस होते हैं काफ़ी क्लोज है, और इसी तरह से इसमें भी नीपा वायरस सिंड्रोम्स भी होता है डॉग में भी, तो ऑफन हम लोग कन्फ्यूज़ रहेंगे कि क्या ये कैनाइन डिस्टेंपर है कि नीपा वायरस है। डायग्नोसिस अगर हम बात करें कि कैसे इसको डायग्नोज करेंगे, कि अगर मान लीजिए इस तरह के साइन सिम्टम्स ह्यूमन में या एनिमल में दिख रहे हैं तो हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, तो बेसिकली इसकी डायग्नोसिस के लिए जो भी मतलब कि जो इंटरनेशनल तरीका है, जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस होती है, जैसे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR टेस्टिंग, एलिसा या CFT कम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, इस तरह के टेस्ट होते हैं जिससे कि डायग्नोसिस की जा सकती है। ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट बेसिकली ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बिकॉज ये इमर्जिंग न्यू डिजीज़ है, तो इसका कोई करंट स्पेसिफिक थेरेपी नहीं है।
सिंपली सिम्टोमेटिक थेरेपी है, जैसे कि हम डॉग में कैनाइन जो सिम्टोमेटिक थेरेपी करते हैं, यू कैन से कि कैनाइन डिस्टेंपर को ट्रीट करने के लिए, तो सेम प्रोसेस हम इसमें भी कर सकते हैं अगर डॉग को इस तरह के सिम्टम आते हैं तो. ओके, प्रिवेंशन ही हमारा सोल्यूशन है. और प्रिवेंशन में हम ये कर सकते हैं कि अगर हमें इस तरह का कोई भी साइन दिखता है तो हम उस बंदे को कम्प्लीटली आइसोलेट कर देंगे और उससे किसी से मिलने नहीं देंगे, वो कम्प्लीटली उसको आईसीयू में भर्ती करेंगे जिससे कि प्रॉपरली उसका केयर हो सके. रिगार्डिंग एनिमल से जो ह्यूमन में स्प्रेड का जो बैरियर है, जैसे कि पिग हो गई, अगर पिग में इस तरह के साइंस दिख रहे हैं तो मास्क कलिंग रिकमेंड की जाती है. सिमिलरली अगर बैट्स का एरिया काफ़ी है आपके लोकेशन में तो आपको बैट्स को मतलब कि केमिकल्स स्प्रे करेंगे आप, तो बैट्स जाएँ यहाँ से. ठीक है, बैट्स को बैन करना है. और इवन ये भी रिकमेंड किया जाता है कि अगर किसी भी कंट्री में इस तरह का अगर कोई भी स्प्रेड दिखती है और पॉजिटिव केसेस दिखते हैं तो वहाँ पे कम्प्लीटली जो है उसका जो इंटरनेशनल मूवमेंट है वो जो है बाय द गवर्नमेंट जो है वो रोका जा सकता है, तो क्वारंटाइन किया जा सकता है. ओके, तो बायो सिक्योरिटी मेजर्स की इसको किया जा सकता है क्योंकि काफ़ी कंटेजियस है, इसको हैंडल करने के लिए बायो सिक्योरिटी मेजर्स को टाइट करना पड़ेगा कंट्री टू कंट्री. ओके, गुड न्यूज़ फाइनली ये है कि एंटीवायरल थेरेपी के लिए डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से रिसर्च हो रहा है फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, तो उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी हमें एक एंटीवायरल ड्रग मिल जाएगी इस डिजीज़ के खिलाफ, और इसी ड्रग्स को हम लोग जो है डोमेस्टिक एनिमल्स में और डॉग में भी यूज़ कर सकते हैं. होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. ऐसे ही मेरे चैनल से बने रहिए. थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वंस अगेन. हैव ए गुड डे.